गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा हिंदी सेकंड में पार्ट है 11, जिसका नाम है क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे, क्रिया क्या है। ओके, इसको हम उसकी क्रिया की परिभाषा से हम शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया किसी काम के करने या होने, मतलब आप जब कोई काम कर रहे हैं या आप काम के होने का पता चल रहा है कि काम चल रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा के द्वारा हम इसको समझेंगे। क्रिया की परिभाषा, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किसी काम को करने या होने, मतलब काम जल चल रहा है या हम काम कर रहे हैं, वो हमारा एक क्रिया कहलाता है। ठीक है, और क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? करना। ठीक है, किसी काम को करना ये क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हवा बहती है, मोहित पत्र लिख रहा है। हवा बहती है मतलब बह रही है, बहती है, ठीक है, और मोहित पत्र लिख रहा है, उसका लिखना क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा दूसरे नंबर पे दिया है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु, जो क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना और क्रिया का मूल रूप है धातु। धातु के साथ हम ना जोड़ देंगे तो वो हमारा बन जाएगा करना। धातु क्या है? कर, पढ़, और इनके साथ हम ना को जोड़ देंगे तो वो हमारा बन जाएगा करना, पढ़ना। ठीक है बच्चों, अब हम क्रिया के प्रकार आपको बताते हैं कितने होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको इस पाठ को दोहराती हूँ, आप ठीक से समझिएगा। क्रिया, क्रिया की परिभाषा क्या है? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट, क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना। दूसरे नंबर पे है क्रिया का, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नंबर थ्री, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। आप लोग इसको इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझना। ओके बच्चे।